Bollywood superstar Shah Rukh Khan has finally opened up on the Central Board of Film Certification Chief Pahlaj Nihalani's disapproval to the term intercourse used in the film's trailer. Speaking to media on the occasion of Eid, SRK said they will hopefully understand context of the film only after they watch the entire film. मैं तो यार 18 से छोटा हूँ तो वोट नहीं कर सकता यार ये महकमे हैं आई थिंक जो भी बोर्ड्स हैं हमको बता देंगे वो डायरेक्टिव दे देंगे जब फिल्म आएगी अभी तो ट्रेलर शुरू हुआ है पिक्चर अभी बाकी है तो आई होप जब फिल्म वो पूरी देखेंगे आई मीन टू बी रियली ऑनेस्ट आई डोंट नीड टू से दिस बट इम्तियाज अली माई सेल्फ अनुष्का रेड चिलीज जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं इस फिल्म में प्रीतम राइटर्स इशाद कामिल साहब आई थिंक हमने कभी भी कोई डिसरिस्पेक्टफुल बात फैमिलीज के लिए या कोई ऐसी बदतमीजी करने की हमें ज़रूरत नहीं अपनी फिल्मों में उनको चलाने के लिए सो होपफुली एवरीबडी विल सी इट व्हेन द फिल्म इज अभी तो सेंसर के लिए गई नहीं जब वो पूरी फिल्म को देखेंगे मे बी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ बातें उनको ठीक नहीं लग रही और अगर नहीं लग रही तो हम उसको चेंज कर देंगे बट आई थिंक जब पूरा फिल्म देखेंगे सो दे विल अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एंड होपफुली एवरीथिंग विल बी गुड For the unversed, Imtiaz Ali's directorial, also starring Anushka Sharma, is the latest movie to be under the censor board's radar. The board has asked the makers to delete the word intercourse used in the film's mini-trails to get a US certification.